नमस्कार श्री राधे मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि आपकी सेवा में तत्पर। जन्माष्टमी के पावन पर्व की हमारे सभी बंधु माताओं बहनों को हार्दिक मंगल कामनाएं। मित्रों, आपको बता दें कि जो जन्माष्टमी का जो पावन पर्व है वो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जब श्रीहरि अवतरित हुए। आपको बता देंगे ये जो अष्टमी तिथि है मित्रों, 14 अगस्त 2017 शाम 7:46 से अष्टमी तिथि जो है शुरू हो जाएगी और 15 अगस्त शाम 5:40 तक यह तिथि रहने वाली है। मित्रों, अभी आप पर डिपेंड है, शुक्ल पक्ष में ना जाकर हम आपको माफ कीजिएगा, शुक्ल पक्ष में ना जाकर हम कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो है ये पावन पर्व मनाते हैं। लेकिन आपको बता दें मित्रों कि ये जो पर्व है भगवान श्री हरि के निमित्त मनाया जाता है। जब ठाकुर जी ने जो जन्म लिया तो क्यों ऐसा ये पर्व को जो महत्वता इतनी ज्यादा बढ़ गई, स्वयं श्री हरि जब अवतरित हुए तो यानी कि असत्य के ऊपर सत्य की जीत, यानी कि बिल्कुल नकारात्मकता का बिल्कुल खात्मा, नकारात्मकता आपके मन से मस्तिष्क से बिल्कुल दूर करने के लिए जो हमने इस पर्व के बारे में आपको बताना अवश्य समझा। तो मित्रों, आपको बता दें कि क्या व्रत विधान है, किस तरीके से इस व्रत को रखना चाहिए। प्रातःकाल उठें, नित्य अपने कार्यों से निवृत्त जो है बिल्कुल हो जाइएगा, उसके पश्चात जो है स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा, कुछ पीले पुष्प लीजिएगा और श्री हरि के मंदिर जाइएगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदाय देवाय, ओम क्लिम कृष्णाय, इस मंत्र का हो सके तो एक माला आप जाप कर लीजिएगा। साथ ही साथ श्री हरि को वो पीले पुष्प अर्पण कर दीजिएगा, वापस घर आइएगा, घर में हो सके तो श्री हरि का संकीर्तन अवश्य रखिएगा। लड्डू गोपाल को जो है आप बता दें कि छोटा सा एक झूला लीजिएगा, उसमें झूला झुलाइएगा, रोली मोली चावल धूप दीप से पूजा अर्चना अवश्य करिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें भगवान श्री हरि को माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगाइएगा। इसके साथ साथ कम से कम 11 तुलसी दल, तुलसी पत्ते आपको पूजा अर्चना में जरूर रखने, क्योंकि श्री हरि को तुलसी बहुत प्रिय है। जब अष्टमी तिथि रहे और मध्यरात्रि 12 बजे का समय रहे तो आप इनको जो है पंचामृत से स्नान कराइएगा और स्नान कराने के पश्चात शुद्ध वस्त्र जो है इनको वस्त्र धारण कराने के पश्चात फिर इनकी पूजा अर्चना और आरती करिएगा, तभी आप अपने व्रत का पालन करिएगा। साथ ही साथ मित्रों, आप एक उपाय और कर सकते हैं, जिन हमारी माताओं बहनों को जो कि निसंतान है उन्हें संतान की यानी कि उत्तम संतान की कैसे प्राप्ति हो जाए ये हम आपको बता देते हैं। मित्रों, आज आप एक छोटा सा एक टोकरी लीजिएगा, उसके अंदर कुछ जो है पुष्प रखिएगा, कुछ छोटे छोटे खिलौने रखिएगा और हो सके तो कुछ उसमें फ्रूट या फल आदि आप रख सकते हैं। साथ ही साथ बजने वाला एक खिलौना जिसे हम झुंझुना कहते हैं वो आप अवश्य रखिएगा और इसको कवर करके श्री हरि के मंदिर में आप रखाइएगा। इस कार्य को बिल्कुल गुप्त रूप से करिएगा, करके देखिए, निसंतान जितने भी दंपत्ति हैं श्री हरि की कृपा से उन्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। तो मित्रों, इस जन्माष्टमी के पावन पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।